ये नहोली गांव का गुरुकुल स्कूल है। स्कूल के अंदर सैकड़ों बोरियां यहां पर मसाले की पाई गई हैं और यहां पर बताया जा रहा है पान पराग की बोरियां थी। जीएसटी की टीम, खाद की टीम, सभी विभाग के लोग यहां पर मौजूद हैं। पुलिस भी यहां पर मौके पर आ गई है। और ये देखिए, इसके अंदर ये पान पराग की बोरियां भरी हुई हैं। ये क्लास है 5th और इसके अंदर देखिए सैकड़ों बोरियां आपको दिख रही होंगी, इसमें पान मसाला है। तो आपको ये लगता है कि स्कूल के अंदर पान मसाला आना नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है, इसकी जांच जाएगी तभी कुछ इस प्रकार कोई कार्रवाई। जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको स्वावलंबन बनाया जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर में एक स्कूल में मसाला रखा गया था। ये मसाला सैकड़ों की तादाद में था। हम मौजूद हैं गजनेर थाना क्षेत्र के नहोली गाँव में और ये नहोली गाँव का गुरुकुल स्कूल है। स्कूल के अंदर सैकड़ों बोरियां यहां पर मसाले की पाई गई हैं और यहां पर बताया जा रहा है पान पराग की बोरियां थी। जीएसटी की टीम, खाद की टीम, सभी विभाग के लोग यहां पर मौजूद हैं। पुलिस भी यहां पर मौके पर आ गई है। जीएसटी ने अभी इंस्पेक्शन किया है तो बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी का मामला है। खाद विभाग के भी लोग हैं, जीएसटी के भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, नायब तहसीलदार भी आए हैं। ये देखिए, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर पान पराग की बोरियां भरी हैं। बोरियां किसकी हैं किसी को नहीं पता। ये विद्यालय है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 5th है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है क्लास 5th। और ये अगर आपको दिखाएं, इसको अगर हम खोलेंगे, जरा एक मिनट खोल दीजिए, एक मिनट खोल दीजिए, मैं आपसे कहूंगा खोल दीजिए, एक मिनट दिखा दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लास रूम है, यहाँ बच्चे अपनी शिक्षा लेते हैं, अपने देश, अपना भविष्य बनाते हैं और कहीं ना कहीं देश भी बनाते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर ये पान पराग की बोरियां भरी हुई हैं। ये क्लास है 5th और इसके अंदर देखिए सैकड़ों बोरियां आपको दिख रही होंगी, इसमें पान मसाला है। अगर आपको दिखाएंगे, अभी ये खोला गया था गत्ता, एक गत्ते में यहाँ पर पान पराग का गत्ता है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। सैकड़ों बोरियां यहाँ पर हैं पान मसाले की। यहाँ पर जीएसटी के अधिकारी, खाद विभाग के अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तहसीलदार साहब भी हैं, शायद सर आप आए हुए हैं यहाँ पे। ये किसका स्कूल है कुछ पता चला है? प्रबंधक प्रिया सिंह का नाम आया था जी, ये जानकारी। किस नाम से स्कूल है? गुरुकुल इंटर कॉलेज जी। तो ये कहाँ के रहने वाले? अब अभी एग्जैक्ट नबीपुर में शायद इनका घर है। तो कुछ कोई आया इनका मालिक? उनके परिवार से कोई एक सदस्य आए हैं, उन्हीं को उपस्थिति में खोला गया। अच्छा, और कौन कौन सी टीम आई है जाँच कर? हमारे साथ पुलिस विभाग है और जीएसटी की टीम है, यही सम्मिलित प्रयास हम लोग का है। कि क्या पाया है सर कि अवैध तरीके से ये रखा गया था, स्कूल के अंदर रखना है, इसकी किस तरीके से सही है, ये जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से यहाँ आया विद्यालय के अंदर। तो आपको ये लगता है कि स्कूल के अंदर पान मसाला आना चाहिए? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है, अब इसकी जाँच हो जाएगी तभी कुछ इस पर कहा जा सकता है। बिल्कुल। क्या नाम सर? डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, नायब तहसीलदार अकबरपुर। ये अकबरपुर के तहसीलदार साहब थे, जिनका कहना है अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जीएसटी के अधिकारी भी यहां पर पीछे मौजूद हैं और खाद विभाग के भी अधिकारी आए हुए हैं। अभी इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर में किसका ये पान मसाला यहां पर मौजूद है, कौन कौन लोग आए थे। अभी जीएसटी के अधिकारी यहां पूरी जाँच कर रहे हैं और गाँव वाले देखिए पूरे इकट्ठा हैं यहां पर। ये शायद उनके रिश्तेदार हैं जिनका स्कूल है। क्यों भैया, आपके रिश्तेदार का स्कूल है? क्या नाम है आपका? उदय। कहाँ रहते हैं? फरूखपुर। किसका स्कूल है ये? धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र का। ये कहाँ रहते हैं? नबीपुर में। नबीपुर में रहते हैं? नबीपुर में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं। आप आए थे पुलिस के साथ यहाँ पर खोलने? नहीं नहीं, अभी हाँ हाँ अभी तो अभी आए। चाबी। क्या क्या पाया अंदर, क्या था? गुटका है, पान मसाला। पान मसाला। अच्छा, स्कूल के अंदर पान मसाला रखा, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक खेल किया जा रहा बच्चों के साथ? ये तो बात सही है, बच्चों के साथ तो खेल किया जा रहा है ये। तो कहाँ गए, आए कि नहीं आए? नहीं आए, ना मैं मिला। मैं फ़ोन किया था कि जाके स्कूल में चले जाओ, दुकान के बगल में चाबी है, बोलो किसी के जिम्मे मतलब रिश्तेदार हो या कोई हो तो नया के, वही चाबी खोल दिया ताला। कोई जानकारी आपको भी जानकारी नहीं? कैसे? मैं कुछ नहीं जानकारी। ये देखिए, स्कूल प्रबंधक के रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं। आप लोग यहीं रहते हैं भाई साहब? यहीं आस पास रहते हो ज़्यादा आप ये बताओ कौन गाँव में रहते हैं? नावली। क्या नाम है आपका? कभी सोचा था स्कूल में यहाँ पर पान मसाला पाया जाए? यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्यों? हाँ हाँ। तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे इस स्कूल में? पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए गांव वाले हैं, कह रहे हैं कि अगर अब बच्चों को इस स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे। समझ सकते हैं, जब पान मसाला स्कूल में निकलेगा तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि जहाँ शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वहाँ पर इस तरीके का मामला है। ये देखिए, जीएसटी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे एक मिनट बात कर लेते हैं। सर सर एक मिनट। क्या नाम है?
हेमकांत सिंह, किस पोस्ट पे? असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, आपने यहाँ पे पान मसाला पकड़ा है, क्या कौन सा पान? हमने नहीं पकड़ा है, पुलिस की सूचना पर हम। जी, तो क्या देखा आपने? इसमें जो है विद्यालय के अंदर डंप करके कोई छोड़ के चला गया है, और जरूर विद्यालय के किसी व्यक्ति को पता होगा, उसकी जांच चल रही है। जब खोला गया तो देखा कि करीब 200 बॉक्स, उसमें बड़े बॉक्स जो है पान मसाला, पान पराग मिला है, आप लोगों ने भी देखा। तो अब उसके आगे हमारी SIV टीम आ रही है, वो जांच करेगी, तो जो आगे कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि अभी ये किसने रखवाया है, क्योंकि अभी ओनर हमारे सामने आया नहीं है, तो वो जांच का विषय। कौन सा पान मसाला? पान पराग पान मसाला। कितनी कीमत होगी? लगभग 50 लाख से ज़्यादा का होगा। 50 लाख, बिल्कुल। देखिए, GST के अधिकारी थे, जिनका कहना है कि 50 लाख से ज़्यादा। और इस स्कूल की अगर दीवारों की बात करें तो देखिए, स्लोगन बड़े अच्छे अच्छे लिखे हैं। महात्मा गांधी जी लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद लिखा हुआ है, और आपको इधर दिखा दे, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है, विवेकानंद जी लिखा हुआ है, संत विवेकानंद जी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इन्हीं क्लास स्कूल के अंदर पान मसाले का उद्योग हो रहा है चोरी छुपे। अब इस मामले में जांच की जाएगी कि ये GST चोरी की करने की वजह से यहाँ पर रखा गया है, या चोरी छुपे बनाया जा रहा था। अभी खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है, वो भी इस बात की जांच करेगी कि इस जो मसाला अवैध रूप से रखा गया है वो आखिर में यहाँ कैसे पहुँचा। अभी स्कूल के प्रबंधक भी नहीं आए, लेकिन उनके रिश्तेदार जरूर यहाँ पर हैं, जिनसे इस बात की जानकारी ली जा रही है कि आखिर में ये स्कूल के प्रबंधक है कहाँ पर। हालांकि ये खाद्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, क्या पता चला आपको कि नकली है, कि किसका माल है, कुछ पता चला? पान मसाले के पैकेट हैं, और संयुक्त जांच की जा रही है। GST विभाग के द्वारा भी जो है, जब इनके मालिक आते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपको देखने में क्या लगा, नकली ऐसा लगा कि ओरिजिनल है, क्या है? प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, एक विद्यालय में पान मसाला पाना कितना लगता है? आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कभी देखा? घोर आपत्तिजनक है। क्या नाम है सर? शैलेश दीक्षित। शैलेश दीक्षित जी हैं खाद्य विभाग के, जिनका कहना है कि स्कूल के अंदर अगर पान मसाला पाया जा रहा है तो घोर आपत्ति है। हालांकि कोई भी होगा तो इसी बात को कहेगा, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर का अपराध हो रहा है। और इसकी दीवारों की अगर बात करें, देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉलेज के नाम से है, उत्तर प्रदेश वर्तमान मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री प्रेरित होते हैं, लेकिन उसी स्कूल में इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं वो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि यहाँ की जो ज्वाइंट टीम जांच कर रही है वो क्या मामले में पाती है। कहा यह जा रहा है कि 200 पैकेट है, और GST चोरी का भी मामला समझ में आ रहा है।